आर यू रेडी टू वॉच 100 hours ऑफ कॉन्टेंट? और बहुत सारे लोग सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है यार उसमें भी। आप सबको पता है कि जॉब्स कम है आजकल, जो मिल जाए मतलब जॉब मिल भी जाए ना अगर तो बहुत बड़ी बात हो रही है। मैं आपको एक इन्फ्लुएंसर का नाम बताता हूँ इस वीडियो में। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या डीएसए आपको सीखनी चाहिए, अगर आप लोगों को जॉब चाहिए तो कितना डीएसए आपको सीखना चाहिए, क्या डीएसए छोड़ के आपको सिर्फ वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना चाहिए, क्या आप लोगों की ओवरऑल स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं कोडिंग फील्ड में। तो अब डीएसए जरूरी क्यों है, मैं इस बेसिक क्वेश्चन पे आना चाहूंगा। प्राचीन काल में क्या होता था कि कंप्यूटर बहुत लिमिटेड होती थी और बहुत एक्सपेंसिव होती थी, जैसे कि ये लैपटॉप है। अब अगर मुझे एक प्रोग्राम इसमें रन करना है एट स्केल तो मैं अपने इसी लैपटॉप में कर सकता हूं। आजकल 16 GB की रैम बड़ी कॉमन हो गई है, जीपीयूज बड़े कॉमन हो गए, उस टाइम पर ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ाया जाता था, यार एक एक सेकंड का हमें कंप्यूटर टाइम बचाना है, हमें एक एक केबी का स्टोरेज बचाना है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत सारी मनी में ट्रांसलेट होती थी। जितनी स्टोरेज आज हम जिसकी बात करते हैं, छोटे से कार्ड में 250-250 GB आ जाता है, एक टीवी भी आ जाता है, इनफैक्ट वो होता ही नहीं था। हम उस जमाने से अब आ रहे हैं यहाँ तक और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स बिल्कुल भी नहीं बदला है। नहीं कहूंगा कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, मैं बहुत ही समरी में बता रहा हूँ आपको, जरूरी तो है बट जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मैंने कुछ लोगों को देखा अपनी जिंदगी में उन्होंने सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स और लीड कोड ही किया होता है। उनसे पूछो कि भाई HTML CSS JavaScript का बेसिक क्या है, कैसे काम करती है वेबसाइट, उन्हें वो भी नहीं पता होता है। वो कहते हैं भाई मुझे क्वेश्चन दे दो, मैं सॉल्व कर लूंगा, क्वेश्चन बना लूंगा बस। तो क्वेश्चन बनाने के चक्कर में ना खुद ही बन जाते हैं। तो क्या डीएसए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट है यार। डीएसए कितना करना चाहिए, करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में आपको ओवरऑल क्लियर हो जाएगा देखते देखते। तो डीएसए क्यों हमें करना है, ताकि हम अपना टाइम बचा सकें, किसी भी एक एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को सही कर सकें, कम टाइम में ज्यादा काम कर सकें, कंप्यूटर को एफिशिएंटली काम पर लगा सकें। ये ओवरऑल जो है मुद्दा है डीएसए का, कि क्यों डीएसए को आपको सीखना है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो ऐप है, वो बिलियंस ऑफ यूजर्स में स्केल करती है, तो अगर आपने एक एक मिली सेकंड भी बचाया तो बहुत सारा टाइम बचा लिया। और अभी इसका महत्व जो है, जो इंपैक्ट है, मैं कहूंगा महत्व नहीं इंपैक्ट, इसका रिलेटिवली बहुत कम है। अब आप लोग डीएसए करें या डेवलपमेंट करें, देखो डीएसए में अगर आप लोग पूरी एनर्जी लगाओगे और डेवलपमेंट में पूरी एनर्जी लगाओगे, दोनों टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम भी लगेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ये आप लोग को बताऊंगा। और अगर आप लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे डीएसए करना ही नहीं है, तो आपकी जॉब लग जाएगी या नहीं लगेगी, ये भी आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कभी डीएसए नहीं करा, बहुत सारे लोग हैं जो 5 से 10 साल की नौकरी कर चुके हैं, उसके बाद वो डीएसए सीखना चाहते हैं अच्छी जॉब पाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं स्कूल में हूं तो डीएसए करूं या नहीं, कुछ लोग कहते हैं वेब डेवलपर हूं डीएसए करूं या नहीं, सबके आंसर देता हूं एक एक करके। सबसे पहले डीएसए को आपको करना है, यस विदाउट एनी एक्सेप्शन, अगर आप लोग एक डेवलपर हो डीएसए इज अ मस्ट। अभी बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, लेट मी एक्सप्लेन कि क्या नहीं करना है। इतना डीप में मत जाओ यार डीएसए के, कि यार आपने एरेस पढ़ लिया, आपने स्ट्रिंग्स पढ़ ली, मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई ना डीएसए, इट इज मोर देन एनफ। उसी बात भी मुझे क्वेश्चन आते हैं यार ये वाली क्यों तो आपने बताई नहीं, आपने एवीएल ट्री का ये वाला स्पेशल केस तो बताया नहीं, तो यार आप खुद भी तो कर लो कुछ। और दूसरी बात ये कि जो चीजें मैंने बताई है ना, वो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, और उसके अलावा आपसे अगर कुछ भी पूछा जाएगा ना, तो वो उसी की एप्लीकेशन होगी। अगर आप उतना टाइम लगा रहे हो ना डीएसए में, तो कहीं ना कहीं आप लोग पीछे रह जाओगे। अगर आप अपना फोकस एक जगह लगा रहे हो, तो इट इज कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग एल्स दैट यू कुड हैव पोटेंशियली लर्न, ठीक है? तो ये बात आपको याद रखनी है। तो डीएसए करो, बेसिक करो, इतना करो कि समझ आ जाए क्यों करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ओ एन स्क्वायर क्या होता है, लॉग इन क्या होता है, प्रॉब्लम पता है कहां आती है, जब लोग अपनी पूरी जिंदगी डीएसए को दे देते हैं। तो आप लोग डीएसए को यूज करोगे कब? आप लोग डीएसए को यूज करोगे प्रायोरिटी क्यूज को यूज करोगे, मान लो आप डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो, मान लो आप सीक्वल जैसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, तब तो आपको डीएसए सीखना पड़ेगा, तब तो आपको क्यूज की गहराइयों में जाना पड़ेगा। लेकिन जनरल जनता के लिए क्यूज की गहराइयों में जाना नॉट वर्थ इट, मैं कहूंगा, और ये स्टेटमेंट मैं बहुत सोच समझ के दे रहा हूं। हाँ बेसिक का पता होना बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बट गहराइयों में जाना कभी कभी आप लोगों को बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि आप लोगों का टाइम जाएगा यार, और उसकी वजह से आप लोग बहुत अच्छी चीजें नहीं सीख पाओगे। अब अगर आप लोग यूट्यूब की टीम में काम करते हो या किसी भी ऐसी वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस की टीम में काम करते हो जहां पर वीडियो की प्रोसेसिंग होती है, तब आपको प्रायोरिटी क्यूज पढ़नी पड़ेगी, उसमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप कोई ऐसा बैकएंड लिख रहे हो जहां पर कि आपको बहुत ज्यादा स्केल करना है, यानी कि आपके मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, तो एक एक चीज आपको सोच समझ के लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज आपके बैकएंड में हो रही है वो एक यूजर के लिए नहीं हो रही है, 100 के लिए नहीं हो रही है, वो 1 बिलियन के लिए हो रही है, तो वहां पे पैसा बचेगा फिर। लेकिन क्या आम जनता को डीएसए सीखनी चाहिए? मैं कहूंगा हाँ यार सीखनी तो चाहिए, लेकिन उतने डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं। तो 2024 में डीएसए की क्या हालत है, क्या करना चाहिए आप लोगों को, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए? देखो यार बेसिक डीएसए कर लो, और इतनी डीएसए कर लो कि कोई आपसे अगर पूछे कि डीएसए आती है या नहीं आती है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ आती है। आजकल मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा है कि पूछा जाता है कि आपको डीएसए कितनी आती है, आप खुद ही बता दो। और जब आप लोगों से पूछा जाएगा ये सवाल, आप लोग बताओगे कि भाई मुझे याता है, तो एक अच्छा पैकेज ओवरऑल बन जाते हो आप लोग। तो मैं तो कहूंगा 2024 में इतना डीएसए सीखो कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपको डीएसए कितना आता है, तो आप लोग जब बताओगे कितना आता है, तो लगेगी हाँ भाई इस इंसान को डीएसए आता है, और अच्छा खासा आता है। आजकल मैं देखता हूँ डीएसए के 63 घंटे के कोर्सेज बनते हैं यार, 63 घंटे का कोर्स कौन देखेगा बैठ के यार। मैंने एक कोर्स देखा था 150 घंटे का भी था, और बहुत सारे लोग सेल करते हैं इस कोर्स। देखो मैं कोर्स सेलिंग के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ का
से एक साल या छह महीना प्लेसमेंट के नाम पे सिर्फ डीएसए कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है यार उसमें भी, क्योंकि 2024 में रिसेशन आया, आप सबको पता है कि जॉब्स कम है आजकल, जो मिल जाए मतलब जॉब मिल भी जाए ना अगर तो बहुत बड़ी बात हो रही है, और इसमें आपके टैलेंट पर उंगली नहीं उठाई जा रही है, सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि यार जॉब है ही नहीं। आप मार्केट में किसी से भी पूछ लेना, मैं डेली बेसिस पे ऐसे लोगों से बात करता हूँ जो कि टेक में है, अलग अलग फील्ड्स में जॉब में, और सारी फील्ड्स में यही हालत है। ऐसे में जो पुरानी कंपनीज हैं कुछ, वो अपने पुराने प्रोसीजर्स को बरकरार रखती हैं कि यार उनके जो राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज है उसमें जितना डीएसए पूछा जा रहा है तो उसको बरकरार रखती हैं, और वो कहती हैं यार हम इसको चेंज नहीं करेंगे, मे बी कुछ राउंड्स उनके नई टेक्नोलॉजीज के जैसे रिएक्ट वगैरह के, अगर वो एक वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कंपनी है तो रिएक्ट वगैरह भी पूछेगी आपसे, लेकिन वो डीएसए का जो फैक्टर है वो कॉन्स्टेंट रहता है, वो जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं वो करने ही करने हैं। तो ऐसे में आप लोगों को डीएसए आना तो जरूरी है, तो डीएसए को सीखो, इतना सीख लो कि आप लोग को पता रहे कि एरेज क्या है, सॉर्टिंग कैसे होती है, क्यूज के बेसिक्स, ट्रीज के बेसिक्स, बहुत बेसिक है यार, बहुत ही इजी है। आप मेरी प्लेलिस्ट देखोगे ना एल्गोरिथम्स वाली, मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना मैंने पढ़ा है ना उसमें मोर देन इनफ है, ज्यादा ही पढ़ा है, कम नहीं पढ़ा है, तो मैं तो कहता हूँ वो पूरा आपका डीएसए करा देगी प्लेलिस्ट। लेकिन देखो मार्केट में सब कुछ बिकता है और आपको बेचा जाएगा, और आज से 20 साल बाद भी आपको वो चीजें बेची जाएंगी जो कि रेलेवेंट नहीं है। आप यूडेमी पे जाके देख लो, लोग जेक्वेरी का कोर्स भी देखते हैं, उसको भी खरीदते हैं, उसमें भी रिव्यूज आते हैं, उससे खुश हैं लोग, उससे वेबसाइटें भी बना रहे हैं, लेकिन जेक्वेरी कैसी टेक्नोलॉजी आपको भी पता है, मुझे भी पता है भाई, पुरानी हो गई, वनीला जावास्क्रिप्ट में हो रहा है सारा काम, रिएक्ट वगैरह का इस्तेमाल करके। तो कुछ लोगों का काम है कोर्स बेचना और उनका बिजनेस है कोर्स बेचना, क्या वो मेहनत नहीं करते? वो बहुत मेहनत करते हैं, कि आपको उनके कोर्सेज नहीं खरीदने चाहिए? अगर वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप खरीद भी सकते हो। मैं आपको एक इन्फ्लुएंसर का नाम बताता हूं, मान लो राजू ले लो, एक हाइपोथेटिकल इन्फ्लुएंसर जिसने अपनी लाइफ में सिर्फ डीएसए किया, वो डीएसए का एक्सपर्ट है, वो क्यों ना बना के आपको डीएसए का कोर्स बेचेगा? अब आपको डीएसए की जरूरत है कि नहीं जरूरत है वो तो आप देखो ना, आपको वो चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, भाई वो तो आपसे कह रहा है कि आप मेरा कोर्स खरीदो, डीएसए सीख लो, आपको आ जाएगा। बट क्या मार्केट में उतने डीएसए की डिमांड है कि नहीं है? आप अपने आपसे सवाल पूछो, आर यू रेडी टू वॉच 100 आवर्स ऑफ कॉन्टेंट, और फिर उसको ग्रास्प भी करना है आपको। अब मैं आप लोगों को मैंग वगैरह जो बड़ी कंपनीज होती है उनकी एक्सपेक्टेशन के बारे में बताता हूँ, वो डीएसए आपसे पूछेंगी, जरूर पूछेंगी, लेकिन वो आप लोगों से बहुत बेसिक पूछती है, जो कोर वो पूछती है, वो कभी आपसे एक स्पेशल तरह की चीज नहीं पूछेंगी कि भाई ये वाली क्यू का ये वाला प्रकार बताओ क्या होता है, वो आपको प्रॉब्लम इन हैंड देंगे कि भाई ये है इसको सॉल्व करो। और कभी कभी अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट रोल के लिए इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो आपकी डीएसए कच्ची भी रह गई और आपका डेवलपमेंट बहुत पक्का है तो हायर हो रहे हैं लोग, और स्टार्टअप्स में तो डीएसए पूछा ही नहीं जा रहा है आजकल। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, डेटा से बता रहा हूँ, लोगों से बात करके बता रहा हूँ, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। तो वो लोग आप लोगों से सिर्फ वो चीज पूछेंगे जो जानकर आप लोग उनका प्रोडक्ट बिल्ड करो, उनके स्टार्टअप को आगे लेकर जाओ, जिस टेक्नोलॉजी को सीखकर आप वहां बैठकर एक्चुअल 9 to 5 में काम करोगे वो पूछेंगे। डीएसए में आप कितना कर लोगे सीख के? हैं कंपनीज MySQL में कर रहे हो, मोंगो में काम कर रहे हो, कोर टीम में करोगे इस्तेमाल आप वो चीजें, बट इन सारी एक्सेप्शंस को हटा के मैं एक जनरल बात करूं, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स में डेवलपमेंट होता है, रिएक्ट यूज हो रही है, Next.js यूज हो रहा है, ये सारी टेक्नोलॉजीज भी इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको डेवलपमेंट अच्छा आता है, प्रोजेक्ट्स आपके तगड़े हैं, स्टार्टअप में आप यूं हायर हो जाओगे। अब लोग ना आजकल मैंग कंपनीज में सरकारी नौकरी की तरह पीछे भागते हैं कि भाई मेरा बस मैंग में हो जाए, मैं वहां घुस जाऊं, मेरी लाइफ सेट है, और उसके लिए मुझे फिर डीएसए का बादशाह भी बनना पड़े तो मैं बनने को तैयार हूं, जिंदगी में सिर्फ डीएसए करना है तो वो भी मैं कर लूंगा, ऐसा वो लोग सोचते हैं। 1 करोड़ का पैकेज बड़ा फेमस हो गया है कि भाई यूएस में जाओ, 1 करोड़ का पैकेज पाओ, लाइफ सेट है, लेकिन वहां का 1 करोड़ का पैकेज, यहाँ का मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, 20-25 लाख का पैकेज है बस। क्यों? वहां रहोगे अपार्टमेंट में, रेंट दोगे, फिर वहां पे रहकर खर्चे होंगे। मैं जब यूएस में था, हम लोग कॉफी लेके आते थे, $10 की एक कॉफी, मैं जोड़ता था कि भाई 700 रुपए हो जाएंगे, तब 70 का डॉलर था, लेकिन क्या मैं कॉफी नहीं पीता था? हम लोग पीते थे, सब करते थे, एंजॉय करते थे। तो जब आप उस लाइफ स्टाइल को जी रहे होते हो ना, तो आप फिर खर्चों के बारे में सोचते नहीं, वो आपकी सेविंग वही हो जाती है जो शायद यहाँ पर आपकी 20-25 लाख में सेविंग हो रही होती है। तो वो 1 करोड़ के पैकेज का तो पीछा छोड़ ही दो। इसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर मान लो आपको बर्गर यहाँ पर मिल रहा है जो बर्गर 70 रुपए का, यूएस में अगर वही बर्गर आपको मिल रहा है से 10-12-15 डॉलर का मिल रहा है, तो बेसिकली आपको जो पैकेज है उनको भी इसी तरह से स्केल डाउन करना पड़ेगा। तो ये जो फैक्टर है जो बर्गर में आएगा, जितना महंगा बर्गर है उतना ही आपकी जो सैलरी पैकेज है उसको कम करके आप इंडिया में लगा लो, तो जो 1 करोड़ का पैकेज है वो करीब करीब 20-25 लाख का बन जाता है। और फिर वहां जाकर आपको लगेगा कि मैं बहुत खुश रहूंगा, यूएस होगा, मजा आएगा, एक टाइम के बाद ना सब हवा निकल जाती है, यहाँ की याद आती है टपरी की 5 वाली चाय। तो डीएसए जरूरी है लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए, डीएसए जरूरी है एफिशिएंट कोड लिखने के लिए, डीएसए जरूरी है अगर आप स्केल पे कोड लिख रहे हो उसको लिखने के लिए एफिशिएंटली। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में एक दूसरी चीज है, तो उस फील्ड में भी आप लोगों को जाना है और उसको भी एक्सप्लोर करना है, तभी आप प्रोडक्ट्स को बिल्ड कर पाओगे। क्या आप जॉब पा सकते हो बिना डीएसए के? बिना डीएसए के मुश्किल होगा। मामूली सा डीएसए करके जॉब पा सकते हो? हाँ पा सकते हो। जो मर्न डेवलपर्स होते हैं वो डेली बेसिस पे हायर होते हैं बिना डीएसए के। एक टाइम पर डीएसए आधार होती थी हायरिंग की, अब नहीं होती है, क्योंकि अब आपकी एक्चुअल स्किल्स चेक की जाती है, आप क्या करने वाले हो वहां आकर वो चेक की जाती है। अगर आप अपनी जॉब वर्क में आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप एक्सेल चलाओगे या वीबीए में कोड लिखोगे या पाइथन पैंडास में लिखोगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपको डीएसए आती है बहुत ज्यादा की नहीं आती है। हाँ बेसिक वो जरूर पूछ लेंगे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए। और एक गलती तो कभी मत करना, रिज्यूमे में डीएसए मत लिखना जब तक आपको आती ना हो। जो चीज आपको आती
ही नहीं है वो रिज्यूमे में लिखोगे तो उस पर सवाल उठेंगे, आपसे कहेगा इंटरव्यूअर कि यार आपने रिएक्ट के साथ साथ ये भी लिखा है, डीएसए आता है आपको, बताओ प्रायोरिटी क्यू में ये चीज कैसे होती है, आप नहीं बता पाए तो वो कहेगा यार तुमने लिखा तो रिएक्ट भी है, इसका मतलब तुम्हें रिएक्ट भी नहीं आता जबकि आपको रिएक्ट आता है। तो ये गलती कभी मत करना, सिर्फ उतना लिखो जितना आपको आता है, ज्यादा मत चमकाओ रिज्यूमे को। लोग कहते हैं कि यार डीएसए से ज्यादा पैकेज लग जाता है, 40-50 लाख का इंडिया में मिल जाता है पैकेज डीएसए से, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत मैं कहूंगा अनरियलिस्टिक तो नहीं बोलना चाहिए, मोटिवेटेड रहो हमेशा उसके लिए, बट कहीं ना कहीं सबको मिलना या एक मास को मिलना अनरियलिस्टिक है वो चीज, ठीक है। तो डीएसए यूज करके आप इस तरह की कंपनी में घुस सकते हो क्योंकि उनका जो पुराना प्रोसीजर है वो डीएसए फॉलो करता हुआ आ रहा है। लेकिन अगर आप रेलेवेंट रहना चाहते हो इंडस्ट्री में, अगर आप अपने आप को रेजिलिएंट बनाना चाहते हो कि यार आप यहां से फायर हुए तो आप यहां चले जाओ, अगर आपको सिर्फ डीएसए आता है, आप उससे हायर हुए थे, डेवलपमेंट आपको आता नहीं है, तो आप एक कंपनी से मान लो आप फायर हो गए, वहां से ले ऑफ हो गए, जो कि हो रहा है यार आपने देखा है, ठीक है, आप दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपको डेवलपमेंट आता है, अगर आपको डेवलपमेंट नहीं आता तो आपके लिए वो चीज मुश्किल होगी, आप कहोगे यार मैं गूगल में था, मुझे गूगल निकाल लिया, अब क्या करूं मैं। अब आपके पास ना आपके रिज्यूमे में एक चीज आ जाएगी, एक्स गूगलर, बस आता क्या है? कुछ नहीं। तो उससे बेटर है कि यार आपको आती है वो सारी चीजें जो आप एंजॉय करते हो, और आप एक कंपनी में हो, उस कंपनी में आप खुश नहीं हो एक्स वाई जी रीजन के कारण, आपने स्विच कर लिया। और भाई अब तो ये करना बहुत जरूरी हो गया क्योंकि हम देख रहे हैं इंडस्ट्री में क्या हालत बनी हुई है, ऐसी चुटकी में ले ऑफ कर देना यार, मेल आ रहे हैं लोगों को, बड़े बड़े डेवलपर्स को 15-15 साल से वो गूगल में, अचानक से सुबह उठ के लॉग इन करते हैं, मेल आता है कि भाई आपकी जरूरत ही नहीं है, अब आप जाओ, हम तो एआई से रिप्लेस कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें हो रही है तो फिर अपने आपको रेजिलिएंट बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं डीएसए को कुछ हद तक तो त्यागना पड़ेगा यार, और जिन चीजों पर काम हो रहा है, एआई है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। तो वो फोकस ना टूटे इसलिए डीएसए पे अंधाधुनी इतना ज्यादा टाइम मत बिताओ। तो हाउ मच डीएसए इज नीडेड? सिर्फ इतनी डीएसए इज नीडेड कि आप बेसिक लॉजिक बना पाओ, आप एक अच्छे कोडर कहला पाओ। ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई हमें तो आती नहीं डीएसए क्या होती है, डीएसए की फुल फॉर्म क्या होती है, ये सब चीजें आप लोगों को दिमाग में रखनी है। एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखते हो। देयर विल ऑलवेज बी समथिंग जो कि आप एंजॉय करते हो, जैसे कि मैं रिएक्ट को बहुत एंजॉय करता हूं, मतलब मेरा मन करता है कि मैं बनाता रहूं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ बैठा हुआ, ये कंपोनेंट बनाया नेक्स्टजेएस में, ये करा ये करा, कोई भी सॉल्यूशन अगर मेरे दिमाग में आया कि यार ये हम रिएक्ट से कर सकते हैं, लेटे लेटे सोचता रहता हूं। मे बी आप वैसा डेटा साइंस के बारे में सोचते हो या एआई के बारे में सोचते हो कि भाई ये वाला मॉडल आ गया है विस्पर का, क्यों ना मैं ये बना दूं। तो अगर वो चीज इंट्रिग कर रही है उसको परस्यू करो, डीएसए को एक किताबी टॉपिक की तरह और एक ऐसे टॉपिक की तरह जिसको आप हेट करते हो लेकिन आप फिर भी पढ़ते हो कि यार याद करना है आंसर इंग्लिश का, उसकी तरह आप पढ़ोगे तो एंजॉय नहीं करोगे। तो इसीलिए इतनी डीएसए करो कि आपको बेसिक समझ में आए, अरे स्ट्रिंग्स, मेरी डीएसए की प्लेलिस्ट उठा लो, उसमें टॉपिक्स हैं सारे, वो आप कर सकते हो, और उसके बाद आप अपने जो इंटरेस्ट है उसको परस्यू करो। तो अंधाधुंध मत भागो डीएसए के पीछे, अपने आप से ये पूछो कि वो चीज कितना रिपीटेबल है, आपको मिल सकता है क्या, क्या ये रिपीटेबल है? अगर नहीं है ना तो आप वो चीज करो जो रिपीटेबल है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज करो जो आप एंजॉय करते हो। विद दैट सेट, आई होप कि आप लोगों को मजा आया इस वीडियो में और आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।